सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में। ओके, सो पे टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप लोग को कहना चाहूंगा सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है। समझ लीजिए, कोई सेल्स का अगर इंजरी हो गया, ठीक है, तो लीथल इंजरी या फिर नॉर्मल जो रिवर्सिबल इंजरी का टाइप कुछ होता है, इस टाइप का हम क्या देखूंगा, सेल्स सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। तो उस टाइप के लिए सेल्स के अंदर वगैरह देखने को मिलता है। जैसे समझ लीजिए सेल्स का क्या, जब इंजरी हो गया सेल्स क्या, कभी कभी अगर हम लोग को क्या देखने मिलता है, सेल का साइज छोटा हो जाता है या फिर सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो कम हो जाता है, या फिर हम लोग बोल दीजिए क्या सेलुलर सेल का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाता है। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग इधर सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में। पहले Whenever we see the injury over here, okay, the cells, they will try to survive. For these things, हम लोग क्या देखने के मिलेगा, cells के अंदर कुछ changes मिलेगा, ठीक है। So we'll see the changes within the cell. Whatever the changes we'll see over here, जैसे कि जैसे cell का size छोटा हो जा सकता है, ठीक है। तो जो सेल का साइज यहाँ पे हम लोग सीखता है लिख सकते हैं, सेल का साइज इधर कम हो सकता है या फिर उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये भी कम हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और उसका अलग हम लोग को क्या देखने में मिलेगा, इधर जो सेल का जो फंक्शन द वे ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल वो भी कम हो सकता है इधर, ओके ना। नाउ ये एक तरीके का क्या रिवर्सिबल चेंजेस होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जो इनिशियल स्टेज में क्या देखने में मिलेगा, रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंज, ओके। अ सेल विल ट्राई टू सर्वाइव इन दिस केसेस। इसके बेसिस में जो सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में चार तरीके का एडेप्टेशन हम लोग को देखने में मिलेगा सेल्स का, ओके। सो कौन सा टाइप का मिलेगा, या फिर यहाँ इधर मिल सकते हैं एट्रोफी मिलेगा जहाँ पे क्या साइज छोटा हो जाएगा, या फिर हम लोग को क्या मिलेगा हाइपरट्रोफी जहाँ बड़ा हो जाएगा, ओके। और क्या मिल सकते हैं उधर हम लोग को, हाइपरप्लेसिया जहाँ पे सेल्स का नंबर ज़्यादा हो सकता है, या फिर हम लोग को मेटाप्लेसिया देखने में मिलेगा जहाँ का सेल्स का नेचर ही बदल जाता है। एक टाइप का सेल्स रहते हैं उसका नेचर शेप साइज वो बदलने के बाद उसका शेप अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वी कैन राइट इट ओवर हियर व्हाट टाइप ऑफ द चेंजेस वी सी एज फार एज द सेलुलर एडेप्टेशन इज कंसर्न्ड, वी कैन राइट इट ओवर द एट्रोफी। सेकेंड हम लोग को देखने में मिलेगा हाइपरट्रॉफी, थर्ड हम लोग को देखने मिलेगा हाइपरप्लेजिया, एंड चौथा में मिलेगा हम लोग को इधर मेटाप्लेजिया। हम लोग एक एक करके डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, उसके पहले क्या है एट्रॉफी, ओके। तो पहले हम लोग एट्रोफी के बारे में डिस्कस करेंगे इधर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एट्रोफी के बारे में इधर। फ्रॉम द टर्म्स इट्स बेसिक, तो फ्रॉम द टर्म इट्स क्वाइट यू नो इजी टू अंडरस्टैंड एट्रोफी मींस। सो एट्रोफी, सो बेसिकली ए मींस, ए का मतलब क्या होता है इधर, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। जो मेडिसिन से भी बेहतर इमेज आप पढ़ सकते हैं आप लोग, ए का मतलब क्या होता है एब्सेंट, ट्रॉफी मतलब क्या होता है ग्रोथ, यानी अगर ग्रोथ का एब्सेंट हो जाए तो उसको हम लोग कैसे कह सकते हैं इधर एट्रोफी बोल सकते हैं। एट्रोफी यानी कि एब्सेंट ऑफ द ग्रोथ। यहाँ पे जो पॉजिटिव जो एजेंट्स होता है, पॉजिटिव एजेंट्स माइल्ड टाइप का इंजरी होता है इधर, तो क्या इधर हम लोग को क्या रिवर्सिबल टाइप का मिलेगा। इसका मतलब क्या, सेल्स अगर जो पॉजिटिव एजेंट जो इसको कर रहे हैं अभी इस टाइप का प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह हो रहा है, अगर पॉजिटिव एजेंट्स को हटा दिया जाए यहाँ से, तो फिर सेल का सेल विल कम बैक टू नॉर्मल फॉर्म। अगर पॉजिटिव एजेंट्स दैट पर्सिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ओके, देयर इज अ पर्सिस्टेंस इफ और पर्सिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यहाँ पे क्या दिक्कत वगैरह होगा, ओके। तो इसके विशेष में हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या अगर पार्सिस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इस टाइप का रिवर्सिबल बदल क्या हो जाएगा,
इरिवर्सिबल टाइप का हो जाएगा, इरिवर्सिबल टाइप का हो जाएगा जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए जो एट्रोपी है ना, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो एक होता है फिजियोलॉजिकल एट्रोपी, एक होता है पैथोलॉजिकल एट्रोपी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। तो फिजियोलॉजिकल एट्रोपी कहाँ मिलेगा और पैथोलॉजिकल कहाँ कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखूंगा। इधर पहले हम लोग डिस्कस करूंगा फिजियोलॉजिकल एट्रोपी, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। देख लीजिए, जैसे जब कोई लेडी का प्रेगनेंट होता है, उस टाइम क्या क्या यूट्रस का जो साइज होता है बड़ा हो जाता है, नॉर्मल सी बात है ना। जब पार्टिकुलेशन हो जाता है डिलीवरी के बाद, क्या यूट्रस का यूट्रस विल कम बैक टू द नॉर्मल फॉर्म, यूट्रस पहले जैसा था वैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यूटेरस आफ्टर पर्चुरेशन एक टाइप का होता है क्या, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। दूसरा टाइप क्या मिल सकता है, जो फिटल डेवलपमेंट, जब फिटस का डेवलपमेंट होता है यूटेरस, यूटेरस के अंदर, उस टाइम हम लोग को क्या देखने में मिलेगा, कुछ कुछ चीजें मिलेगी, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे नोटोपॉड का कुछ फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे कुछ क्रेस्ट सेल्स वगैरह होता है, वो रिमूव हो जाती है इधर से। अगर आप लोग का न्यूरल ट्यूब का डिफॉर्मिटीज या फिर न्यूरल ट्यूब का जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ना, वो आप लोग ने किया हो तो अच्छे से समझ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स विल सी इन टर्म्स ऑफ द नोटोपॉड, इन टर्म्स ऑफ द व्हाट, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बोल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि पैथोलॉजिकल एट्रोफी भी हो सकते हैं इधर, पैथोलॉजिकल एट्रोफी कैसे कैसे होता है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी। जैसे पहले एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करूंगा डिसयूज एट्रोफी, पहला वाला होगा डिसयूज एट्रोफी, यानी समझ लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट पर कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पे जब ऑर्थोपेडिक जो ओपीडी था वहाँ पे लेके जाएगा, सब करने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट करने के बाद बंदे को बोलता है तुम रेगुलर क्या, आप रेगुलर कहाँ पे जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलता है, ताकि उसका जो मास्कुलर जो एक्टिविटी होता है, मास्कुलर जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसका अच्छे से होता है। तो इसके वजह क्या होगा, जो मसल्स का जो प्रॉब्लम है, फिर बोन का जो दिक्कत वगैरह हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बंदे को जो इंडिविजुअल देयर इज अ चांसेस फॉर द इंडिविजुअल टू व्हाट टू हैव द सेम टाइप ऑफ थिंग व्हाट वाज द बिफोर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इधर, अगर कोई फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाता है, दैट मींस द पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस इन दिस केसेस, ओके। तो वहां पे क्या देखने में मिलेगा, इधर अगर नो यूज ऑफ मसल्स, अगर मसल्स को उसका बाद यूज नहीं करते है, तो इसका मतलब में क्या मिलेगा, देर विल नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इफ देर इज नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देर इज चांसेस ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द मसल्स, सो मसल्स का साइज क्या छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा श्रिंकेज ऑफ मसल, यानी मस्कुलर एट्रोफी देखने में मिलेगा, समझ लिया ना। और यहाँ पे जैसे बता दिया हमने फिजियोलॉजिकल में, जैसे देख लीजिए यूटेरस आफ्टर पर्चुरेशन, जब जो फीटस अंदर में होगा उस टाइम में क्या होगा, यूटेरस के अंदर कुछ हार्मोनल रेगुलेशन ज्यादा होता है, जब पर्चुरेशन हो जाता है डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो हार्मोनल रेगुलेशन जो होता है सेंटर से क्या होता है, उसका जो प्रॉब्लम वगैरह होते हैं वगैरह क्या, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे जो हार्मोनल रेगुलेशन जितना जितना तेजी से होता है, जैसे इंक्रीज होता है या कब ड्यूरिंग द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन आफ्टर प्रेगनेंसी वे द बेबी विल डिलीवर एट द टाइम विल सी देयर विल नो सच हार्मोनल रेगुलेशंस, एज अ रिजल्ट व्हाट द यूटेरस विल कम बैक टू द नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट पैथोलॉजी हम लोग बता देगा डिसयूज एट्रोफी, सेकंड हम लोग यहाँ पे देखने में मिलेगा जैसे डिनर्वेशन एट्रोफी, सेम टाइप ऑफ द एग्जांपल यू कैन यूज ओवर हियर, if you say any kind of the accident where the individual is getting okay, there is some problem at the nerve level, so any iska matlab samajh lijiye koi problem aisa kuch accident ho jahan pe kya nerve ka dikkat ho gaya, okay, to hum log ko to pata hai agar nerve ka dikkat ho jaye to
हम लोग तो पढ़ाए होंगे ना मोटर एंड पेट का न्यूरो न्यूरल लेट मी राइट इट ओवर क्लियरली एन एम जी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे क्या होता है जो मोटर एंड प्लेट से क्या होता है कुछ यू नो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जो क्या करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे समझ लीजिए एसिड्रेनल कोलिन यहाँ पे ओके ना, तो अगर नर्व इंजरी होता है तो क्या क्या इस टाइप का प्रॉब्लम होगा जो मोटर नर्व एंड प्लेट ये क्या जो न्यूरो ट्रांसमीटर ये रिलीज नहीं कर पाएगा। अगर रिलीज नहीं कर पाएगा तो क्या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होता है तो फिर सेम टाइप का प्रॉब्लम होगा, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होगा। मस्कुलर एक्टिविटी अगर नहीं होता है तो किस टाइप का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे श्रिंकेज ऑफ द मसल यानी मस्कुलर एट्रोफी। ओके थर्ड टाइप में आता है इधर, सो पहले वाले का डिसयूज यूज करने की वजह फ्रैक्चर हो गया फिर यूज नहीं करता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाता है, मस्कुलर यूज नहीं होता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। अगर नर्व लेवल में इंजरी हो जाता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है थर्ड टाइप का हम लोग इधर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशंस अगर न्यूट्रिशन जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जैसे समझ लीजिए अफ्रीका ऐसे भी कुछ कुछ कंट्री है जहाँ पे क्या बच्चे लोगों को क्या जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, इसके वजह क्या होगा उन लोग का वेट उनको उन लोग का जो मस्कुलर वेट होता है जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उससे क्या कम होगा। ठीक है ना, तो वेट इन टर्म्स ऑफ द वेट मसल्स इट विल बी रिड्यूस्ड नॉर्मली। ओके एंड चौथों में क्या आता है इधर एक इम्पोर्टेंट वाला आता है इधर, जैसे समझ लीजिए इसको कहा जाता है क्रोनिक इस्केमिक एट्रोफी। जैसे एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है जब कोई बंदा का जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है इधर जैसे समझ लीजिए कोई बंदा का जितना उम्र बढ़ते जाएगा तो क्या होगा उस टाइम में जो ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट यू नो इम्पोर्टेंट ऑर्गन दैट विल गेट डिक्रीज। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन कैन टॉक अबाउट हियर दैट इज अ ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड कम जाता है तो क्या होगा ब्लड फ्लो दैट विल बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ द एज ओवर हियर, सो विल गेट इट ओवर हियर श्रिंकेज ऑफ द यू नो ब्रेन श्रिंकेज ऑफ ब्रेन यानी ब्रेन का जो साइज है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग के अंदर बहुत टाइप का प्रॉब्लम देखने मिलेगा अगर ब्रेन का साइज कम हो गया तो जो काम होता है जैसे समझ लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट विल बी रिलीज्ड ओवर हियर फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द एसिटाइल कोलीन। जब एक कम रिलीज होगा तो किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा फॉरगेटनेस एनी लॉस ऑफ मेमोरी। जो एल्डरली पर्सन होते हैं उन लोग उनमें देखने में मिलते हैं इस टाइप का चीजें, तो इस टाइप का चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं सीनाइल डिमेंशिया डिमेंशिया। और एक मोर साइंटिफिक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं इसको क्या इसके वजह क्या होता है अल्जाइमर्स डिजीज। अच्छा वर्ड हम लोग यूज करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज होता है इधर समझ रहे हैं ना। तो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम विल सी एज पर एज द व्हाट द फिजियोलॉजिकल एट्रोफी इज कंसर्न्ड वी विल सी द यूटेरस आफ्टर द पर्टुरेशंस ऑफ द फीटल डेवलपमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द पैथोलॉजिकल एट्रोफी विल यूज द डिजीज एट्रोफी विल गेट द डिनर्वेशन एट्रोफी विल गेट व्हाट inadequate nutrition and will get the chronic ischemic atrophy. Now we'll talk about the next part, that is the hypertrophy. Okay, so let's write it about the hypertrophy. So let's know about hypertrophy right now. Hypertrophy means defect from the term it's quite easy to understand. हम लोगों को समझ में आ ही गया कि hypertrophy मतलब क्या होगा। Hyper मतलब क्या ज़्यादा होता है, more और trophy मतलब क्या होता है growth। अगर ज़्यादा growth यानी if we see the more growth, for example if we say over here ग्रोथ अगर ज्यादा होता है सेल्स का, तो अगर सेल्स का ग्रोथ ज्यादा होता है तो क्या यहाँ पे क्या होगा सेल साइज ज्यादा होगा यानी सेल्स का फंक्शन भी ज्यादा होगा। तो विल सी ओवर हियर द सेल साइज
that will be more in terms of the size, as far as the size is concerned. In terms of the functions, we can write it the function as it will also get increased over here. Okay, so cell size and the function, that will be increased. जैसे हम लोग डिस्कस किया थोड़ा देर पहले क्या एट्रोफी के बारे में, सेम चीज इधर भी होगा, यहाँ पे एथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं. तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कहाँ हम लोग को देखने में मिलेगा पहले उसके बात करते हैं. फिजियोलॉजिकल एट्रोफी दूसरा कलर यूज करते हैं इधर. ओके, पहले हम लोग को इधर क्या मिलेगा, यूटेराइन हाइपरट्रॉफी. इसका मतलब क्या होता है, इधर देख लीजिए, जब प्रेगनेंसी वगैरह देखने में मिलेगा उस टाइम क्या होगा, डेफिनेटली द साइज ऑफ द यूटेरस दैट विल बी व्हाट इंक्रीज. सो वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ द प्रेगनेंसी, इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी विल सी द यूटेराइन हाइपरट्रॉफी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल रेगुलेशंस. So because of what, hormonal regulations, we'll see over here that the uterine hypertrophy. Okay, dusra kya hoga idhar, muscular hypertrophy ek step ka cheez hai agar hote samajh lijiye, koi bandha jo jaise ki muscle cells jo hota hai, muscle cells to normal hote hai, uska to division nahi hota hai. अगर मसल सेल्स का डिविजन नहीं होते क्या, वो साइज में बड़ा हो सकते हैं. अगर कोई बंदा जो बंदा मसल्स को ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कोई बंदा जिम में जाता है, जिमनेजियम में जाता है, ओके, जिमनास्टिक करते इधर, तो इस टाइप में क्या होगा, सेल्स का क्या मतलब, डेफिनेटली सेल्स का साइज ज़्यादा होगा. तो अगर सेल्स का साइज ज़्यादा होगा, इसके लिए क्या मस्कुलर हाइपरट्रॉफी में आएगा. तो कोई बंदा जिम करते हैं, फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करते इधर, जो लोड उठाते हैं ऐसे, समझ लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. अब हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, कहाँ हम लोग को पैथोलॉजिकल देखने में मिलेगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी. पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हम लोग को कहाँ देखने में मिलेगा, समझ लीजिए, अब देख लीजिए, अभी क्या समझ लीजिए, कोई बंदे का अगर वाल्वुलर डिजीज होता है, ठीक है ना, या फिर हाइपरटेंशन रहे थे, या फिर वाल्वुलर डिजीज वगैरह रहे थे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, जो वेंट्रिकल्स है ना, इसका साइज ज्यादा हो जाएगा. वेंट्रिकल का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या देखने में मिलेगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, अब दो वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल का होने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे शो किया लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होने का ज्यादा चांसेस है, कि इसके वजह क्या, हाइपरटेंशन है, फिर वाल्वुलर हार्ट डिजीज, इसमें क्या होगा, इस टाइप का चांसेस हो सकता है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में. अब हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट टाइप, व्हाट हम लोग ऑलरेडी बात कर लेके इसका एट्रॉफी के बारे में, सेकंड हम लोग दूसरा बात कर ले हाइपरट्रॉफी के बारे में, अब हम लोग बात करूंगा व्हाट हाइपरप्लेजिया के बारे में. तो चलिए बोलते हैं, अब हाइपरप्लेजिया में किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, इधर हम लोग को देखने में मिलेगा, हाइपरप्लाजिया यानी इसका मतलब क्या होता है, सेल्स का नंबर ज्यादा होता है, यहाँ पे सेल्स का नंबर होता है, सेल्स नंबर ए ज्यादा हो जाए, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है ना, सेल्स का नंबर इधर बढ़ जाता है. अब जैसे था हम लोग का पिछला दूसरा टाइप, यहाँ पे भी क्या होगा, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया फिर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया. अगर हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के बारे में, इधर फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कहाँ कब देखने में मिलेगा इधर, ठीक है ना,
सेल्स का नंबर ज्यादा होता है, फास्ट एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं यूटरस। यूटरस में देखने में मिलेगा कब, जब प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, यूटरस का साइज ज्यादा होता है, तो यानी इसका मतलब क्या, सेल्स का साइज भी ज्यादा होता है, सेल्स का नंबर भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यानी यूटरस में हम लोग को दोनों चीज देखने में मिल रहे हैं, यूटरस में हम लोग को दोनों चीज देखने में मिल रहा है, या कौन सा चीज देखने में मिल रहा है, हम लोग पहले बात कर ले हाइपरट्रॉफी भी देखने मिल रहा है इधर, हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हम लोग को देखने में मिल रहा है क्या, हाइपरप्लेजिया, दोनों चीज एक साथ देखने में मिल रहा है इधर। इसके लिए इस टाइप का यूटरस को क्या कहा जाता है, ग्रेविड यूटरस, इसको कहा जाता है हम लोग को क्या, ग्रेविड यूटरस, समझ रहे हैं ना, इसको कहा जाता है ग्रेविड यूटरस। दूसरा टाइप के तो क्या मिला गया इधर, फिजियोलॉजी का हाइपरप्लेजिया में, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, breast development during, okay, so you can write it over the during the puberty or the reproductive age over here, we'll see what there will be also the physiological hyperplasia. आज अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, pathological hyperplasia के बारे में, pathological hyperplasia. और एक टाइप यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फिजियोलॉजी का हाइपरप्लेजिया में, समझ लीजिए इन टर्म्स ऑफ द बोन मैरो, इन टर्म्स ऑफ द बोन मैरो क्या कह सकते हैं इधर, जैसे कोई बंदा का समझ लीजिए किसी भी कारण में क्या हो गया, हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, अगर हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया किसी भी कारण में, ठीक है ना, किसी भी कारण में क्या होगा, हिमोलाइटिक एनीमिया यानी कुछ इमेच्योर आरबीसी होता है जिसकी वजह से जो डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर जो आरबीसी जिसका लाइफ स्पेन आ गया 120 दिन उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है, और इसके वजह से अगर आरबीसी कम हो जाती है यानी कि इसका मतलब एनीमिया हो गया, अगर एनीमिया देखने में मिलता है तो उस टाइम क्या होगा, उन लोग को पता है जब एनीमिया होगा तो किडनी में, किडनी से ओके क्या होगा, यहाँ से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम है किडनी का इधर जो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से क्या एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो गया, हार्मोन, यह हार्मोन जाके क्या करेगा, बोन मैरो को एक्टिवेट करेगा, जब बोन मैरो को एक्टिवेट करेगा तो बोन मैरो क्या होगा, बोन मैरो का हाइपरप्लेजिया देखने में मिलेगी, यानी बोन मैरो के ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाएगा इधर, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हम लोग को देखने में मिलेगा यूटरस का मिलेगा, ब्रेस्ट का मिलेगा प्यूबर्टी में, उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल हम लोग का किधर मिलेगा, बोन मैरो में मिलेगा, इसका मतलब हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया तो क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएगा, जब आरबीसी कम हो जाएगा सिग्नल जाएगा इधर, किधर, इधर जो सर्कुलेशन है ना किडनी के अंदर इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, जब एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा रिलीज हो गया ये सीधा कहाँ जाएगा, बोन मैरो में जाएगा, बोन मैरो जाने के बाद बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, फिर ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाएगा इधर। अब हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजी हाइपरप्लेजिया के बारे में, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में होता क्या है, जैसे एज बढ़ते जाता है, एज जब बढ़ते जाएगा इस टाइप का क्या होगा, जो मेल इन केस ऑफ द मेल विल सी देयर विल बी रिलीज ऑफ वन टाइप ऑफ द हार्मोन दैट इज नोन एज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, this type of the hormone will be active too much, and whenever this type of the hormone that will be active too much, that will come where, within the prostate gland, and after that they will activate the stromal cell. यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, stromal cells activate हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी stromal cells, stromal cells ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या देखने में मिलेगा इधर, prostate gland का hyperplasia, यानी prostate gland को size बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, so prostate ग्लैंड इसका साइज क्या की देखने में मिला ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो पेरियूरिथ्रल रीजन में इसका ज़्यादा होगा, तो अगर पेरियूरिथ्रल रीजन में है प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं फैल जाता है तो हमें क्या होगा, देयर इज अ चांसेस फॉर यूरेथ्रल कॉम्प्रेशन, यानी इधर हम लोग को देखने में मिलेगा यूरेथ्रल कॉम्प्रेशन। अगर हम लोग को इधर यूरेथ्रल कॉम्प्रेशन देखने में मिलेगा तो किस टाइप का दिक्कत आएगा बाद में, द इंडिविजुअल विल सफर फ्रॉम द मैक्चुरेशंस, यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्चुरेशन यानी यूरिन आउटपुट में दिक्कत होगा,
पीने वगैरह हो सकता है, वॉइड सही साइन यू नो वॉइड द यूरिनरी ब्लैडर विल नॉट गेट इन द प्रॉपर टाइम जस्ट लाइक दिस। तो एक हो गया हम लोग का क्या प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। आज हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में क्या और एक टाइप का होता है या ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है जहाँ एग्जाम्पल के जरिए वो हम बात करेंगे अभी। अब हम लोग बात करेंगे क्या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बारे में, समझ रहे ना, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो चलिए एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या होता है। समझ लीजिए कोई जो वोमेन इंडिविजुअल, ठीक है ना, उसका मेंस वगैरह हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, सो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल सी व्हाट, ओके, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम फिर से बनेगा इधर, ठीक है ना, बढ़ते जाएगा, एक टाइम जाएगा जब लिमिटेड बढ़ते जाएगा फिर सही हो जाएगा। समझ लीजिए क्यों बढ़ रहे हैं अभी, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह बढ़ रहे हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन ये इधर काम करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन काम करते हैं कितना, समझ लीजिए 10 से 14 दिन तक काम करता है, फ्रॉम 10 टू 14 डेज इट विल वर्क ओवर हियर, आफ्टर दैट इट विल नॉट वर्क फर्दर, ओके। बट इफ वी सी दैट एस्ट्रोजन इज कीप ऑन वर्किंग फॉर यू नो फॉर लॉन्गर पीरियड, देन वी विल सी देयर इज अ दैट विल कॉज व्हाट, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अगर इस टाइप का चीज सही नहीं होता है जल्दी से जल्दी, तो इस टाइप का बाद में क्या फैल जाएगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांसेस है, यहाँ पे कैंसर होने का चांसेस वगैरह है, कैसे ना हो सकते। और देख लीजिए इधर जैसे हम लोग बात किए थे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अलवेज इट विल बी बिनाइन, अलवेज द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया दैट विल बी बिनाइन, यानी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के कैंसर होने का चांसेस कम है, ठीक है ना। और एंडोमेट्रियल जो हाइपरप्लेजिया हो गया इसके अंदर के कैंसर होने का चांसेस वगैरह भी है। तो यह हो गया हम लोग का क्या हाइपरप्लेजिया के बारे में। और एक ही बाकी है जो है क्या मेटाप्लेजिया, हम लोग मेटाप्लेजिया के बारे में बात करेंगे अभी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेटाप्लेजिया के बारे में। मेटाप्लेजिया में हम बता चुका है मेटाप्लेजिया में क्या होगा, एक टाइप का सेल रहेगा वो दूसरा टाइप का सेल में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम के थ्रू हम लोग मैं बात करूंगा, आप लोग को समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया यहाँ पे क्या देखने में मिलेगा, मेटाप्लेजिया में चेंज इन सेल नेचर, यानी इसका जो टाइप है बदल जाएगा। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या एपिथेलियल जो होता है, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। इसके लिए मैं ड्राइंग कर रहा हूँ इधर, जैसे देख लीजिए यहाँ पे किस टाइप का सेल्स मिलता है, लांस अंदर इधर किस टाइप का सेल्स मिलता है, स्टेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले बात उधर है, यहाँ पे क्या सिलिया वगैरह रहते हैं, सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वीडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, इसका मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। अब इसका एक चांसेस है,